सर जी का हमारा सेफ ऑफ ऑफिशियल चैनल्स है दोस्तों। चैनल पर हमने पूरा दोस्तों लिस्ट क्यों जरूरी है हमने दोस्तों अपग्रेड कर दिया। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रख दिए हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सारे पुराने लीडर्स भी हमारे साथ हैं और दोस्तों नए एसोसिएट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, फ्रेशर हमारे साथ आए हैं। दोस्तों गलतियां क्या होती है, हम लोग अपने घर में अपने लीडर्स की बताए हुए रास्ते पर आकर के FIM के दौरान उसके बाद अपने गोल सेटिंग तो कर लेते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लिस्ट भी बना लेते हैं 100 लोगों का, 150 लोगों का। याद रखिएगा, गोल सेटिंग आपका काम है, लिस्ट बनाना आपका ही काम है, खाली आपका लीडर टैक्टिक देगा और जूम इनविटेशन करना भी दोस्तों आपका ही काम है। आपका लीडर प्लान दिखाने में आपको मदद करेगा, फॉलोअप पर मदद करेगा दोस्तों, प्लान दिखाने, फॉलोअप, DD सेल्स क्लोजिंग पर मदद करेगा, रजिस्ट्रेशन में भी मदद करेगा, बाकी सब काम करेगा। लेकिन दोस्तों इनविटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे दोस्तों जूम पर इनविटेशन कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आपने दोस्तों अपनी बहनों के लिए दोस्तों इनविटेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आपको खुद ही दोस्तों काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपके सपोर्ट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन आपकी अप्लाइंस अगर आपके सांस में है तो सपोर्ट तो कर देगी, लेकिन यह टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है दोस्तों जो कि समुद्र की गहराई से भी बहुत बड़ा टेक्निक है। अगर आपने इस टेक्निक को 2-3 पॉइंट समझ जाते हैं आज, तो दोस्तों आप लोगों को लाइन लगा देंगे और चेकों को दोस्तों लाइन लगा देंगे और आपके टीम में दोस्तों अचीवर्स लगातार पैदा होते चला जाएगा। अगर दोस्तों आपने सही तरीके से, अगर दोस्तों आपने जूम इनविटेशन को सीख गए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने से कोई भी बंदा दोस्तों नहीं रोक सकता है। ये बात याद रखिएगा, जूम इनविटेशन एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है। अगर जो लोग इसकी टेक्निक को समझ गए, ये कोई रटने का टेक्निक नहीं है, तो दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अपने माइंड को अगर मेकअप रखे तो आप सेफ फॉर बिजनेस के अंदर में कभी भी दोस्तों आप इनविटेशन के दौरान, प्लान के दौरान, फॉलोअप का कभी भी आप निगेटिव नहीं होंगे। क्यों कि लिस्ट बुकिंग के लाभ 3 महीने की प्लान दोस्तों आज मेरे पास है, जो मैं आज पहले आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि अगर दोस्तों आपके पास न्यू गेस्ट है और आपने दोस्तों अगर 150 लोगों का लिस्ट बनाया है, आफ्टर प्लान साइन अप, आफ्टर प्लान उसमें से दोस्तों 50 आदमी ही रेडी होता है और दोस्तों 30 आदमी DD देता है। याद रखिएगा सेल्स का टेक्निक, 30 से ज्यादा लोग दोस्तों आपके साथ इस इंडस्ट्री में कभी भी नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों आपका एक छोटा इनकम निकल कर आता है 15,000 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जो आपने 150 लोगों का लिस्ट पर चले थे आफ्टर प्लानिंग, मात्र जो आपके साथ 6 बंदे बचे हैं और उन 6 बंदों के साथ आप प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करते हैं, इस सिस्टम की बताए हुए रास्ते पर अगर दोस्तों आप काम करते हैं, तो दोस्तों आपके साथ अगले महीने में और 6 लोगों ने 150 के लिस्ट बनाने में सफलता हासिल किया, दोस्तों आपके साथ 900 लोगों का लिस्ट फिर दोबारा तैयार हो जाएगा। और 900 लोगों का जब लिस्ट आपके साथ तैयार होता है, दोस्तों 100% उसके अंदर दोस्तों आपके साथ 500 लोग प्लान देखने के लिए राजी होंगे, और 500 लोग दोस्तों जब प्लान देखने के लिए राजी होंगे तो दोस्तों गारंटी मैं आपको बताता हूं, 180-200 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग करेंगे और 90,000 रुपए की दोस्तों आपकी अगली इनकम यहां से निकल करके आएगी। और कम से कम दोस्तों जो रेशियो है 20% का, 36 लोग आपके साथ एक्टिव मोड में आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि बिजनेस करेंगे। अगर दोस्तों तीसरे महीने में अगर आपने सही तरीके के जो मैंने आज आपको बता रहा हूं, आप एक बार इस पे अमल करके देखिए इस रेशियो से आपका बिजनेस पड़ता है कि नहीं। एक बार दोस्तों आपने अमल करना है और अमल करके आप देखिए कि दोस्तों इस रेशियो से दोस्तों आपका बिजनेस आज बढ़ता है नहीं बढ़ता है। दोस्तों जे भी आपने अगले बार 36 लोगों को एक बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठा के या कोई एक वैल्यू पर बैठा करके दोस्तों 4 घंटा का आप लिस्ट मेकिंग सेशन करवा लीजिए और आपने लिस्ट की फॉर्मूला उनको बता दीजिए, तो 100%
आपके पास 54 श्लोक का लिस्ट, प्लान चलाएंगे, कुछ लोग फोन उठाएंगे, कुछ का नंबर नहीं भी लगेगा, 2000 लोग दोस्तों इसमें से प्लान देखेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आपकी और आपकी टीम मिला करके, अगर आपके टीम में 36 लोग हैं तो जूम पर डिजिटल के साथ फिजिकल और वेन्यू पर प्लान करके दोस्तों 2000 लोग दोस्तों आफ्टर प्लान साइन अप करेंगे, और 1080 दोस्तों आपके आफ्टर प्लान आपको 5,40,000 रुपए का इनकम आएगा। और दोस्तों आपके पास 200-250 का टीम उस टाइम नजर आएगी, और जब दोस्तों आपके साथ 200-250 का टीम नजर आएगी दोस्तों 1 साल के अंदर दोस्तों आप डायमंड शिप दोस्तों क्रॉसिंग कर सकते हो। आपके लिए 1 साल दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों आपने लिस्ट बना करके प्रॉपर प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब दोस्तों जूम इन्विटेशन पे थोड़ा दोस्तों आज बात करूंगा। याद रखिएगा, जूम इन्विटेशन से पहले या आप इन्विटेशन करने गए हैं, किसी घर गए हैं या फोन से कर रहे हैं, सबसे पहले जूम क्लाउड मीटिंग प्ले स्टोर से उनके मोबाइल में लोड करवा करके और आप अपने साथ एक बार उनको कनेक्ट करके टेस्टिंग कर लीजिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ जूम पर जुड़ रहे हैं कि नहीं। ये भी दोस्तों जूम पर बिल्कुल नया टेक्निक है। अगर दोस्तों आपके साथ बंदा जूम पर जुड़ना शुरू कर गया, चाहे दोस्तों आपका रिलेटिव हो, चाहे दोस्तों आपका दोस्त हो, चाहे दोस्तों आपका कोई कोल्ड कॉलिंग का बंदा हो, तो रिलेटिव और दोस्त अगर आपका नजदीक में है आप उसके पास ज्वाइनिंग करा सकते हो। जूम पर अगर आपके साथ में कोल्ड कॉलिंग के कोई बंदा आया है दोस्तों, वो उसकी मर्जी है, वो ज्वाइनिंग करेगा भी और दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं भी करेगा। ये बात आप समझ जाएगा, जूम इन्विटेशन पर कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों बंदा आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा और दोस्तों आपके साथ बंदा ज्वाइनिंग नहीं भी करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट का बंदा दोस्तों 100% आपके साथ में ज्वाइनिंग करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरीज की। दोस्तों हमारे समाज की जो कैटेगरी है जूम इन्विटेशन करने के लिए, कितने प्रकार के दोस्तों कैटेगरी है। पहला तो दोस्तों कैटेगरी है, हम सारे जानते हैं कि हमारे साथ एक स्टूडेंट कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में आएंगे, चाहे दोस्तों आपके हॉट लिस्ट में आते हो, चाहे दोस्तों आपके वार्म लिस्ट में आते हैं, चाहे दोस्तों आपका कोल्ड लिस्ट में, किसी भी लिस्ट से दोस्तों आपका स्टूडेंट हो सकता है। और एक स्टूडेंट को क्या चाहिए दोस्तों, नीड टू पॉकेट मनी, थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा दोस्तों उसको अच्छा ड्रेस और थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए उसको एक बाइक वगैरह चाहिए, यही सब चीजें, अच्छा मोबाइल। एक स्टूडेंट का दोस्तों पहला नीड्स पार्ट टाइम में काम करके कमाने का होता है, एक वर्किंग लेडी का दोस्तों उनको नीड्स एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्यों, उनके पास खर्चे बहुत है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के और डेली रूटीन में लगातार खर्चे हैं। जितने भी पेरेंट्स है, गार्जियन है, उन सब लोगों का दिवाली में 99% लोगों का दोस्तों दिवाला निकला हुआ है। मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ बात बोल सकता हूँ दोस्तों, दिवाला निकला हुआ है, वो तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के लीडर हैं दोस्तों, जो आज सेफ शॉप ने पूरी भारत में अपना जलवा फैला रखी है और दोस्तों सेफ शॉप में लोग आज भी लगातार पैसे कमा रहे हैं। और दोस्तों अगर हाउस वाइफ है उनको क्या चाहिए दोस्तों, नीड पॉपुलरिटी, जो ने पढ़ लिख करके MBA करके इंजीनियरिंग करके भी लड़कियां दोस्तों घर में आज बर्तन धो रही है, मैं देख रहा हूं, और ग्रेजुएशन करके BA दोस्तों उनके लिए बिजनेस दोस्तों वरदान साबित हो सकता है। और चौथा दोस्तों उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए दोस्तों नीड पॉपुलरिटी, और एक रिटायर्ड पर्सन जो है उनको क्या चाहिए, नीड ए रिपोर्टेड लाइफ एंड रिस्पेक्ट, दोस्तों उनको पैसा से प्यार नहीं है, जिनका उम्र 60 साल 65 साल 70 साल हो गया उनको तो दोस्तों भागवत गीता और संपूर्ण हनुमान से केवल मिलवाइए और आपका दोस्तों DD निकलेगा, 10-20 ओल्ड एज का लोगों का दोस्तों भी ज्वाइनिंग करेगा। इतने प्रकार की हमारे समाज में कैटेगरी बना हुआ है और एक कैटेगरी दोस्तों कहीं से भी हो सकता है आपका, एक कैटेगरी दोस्तों आपका हॉट लिस्ट में भी हो सकता है, वार्म लिस्ट में भी हो सकता है और दोस्तों कोल्ड लिस्ट में भी कैटेगरी हो सकता है। ये बातें मेरे ख्याल से आपको दोबारा जो पहले इस ट्रेनिंग को जानते हैं उनके लिए रिपीटेशन है, और जो दोस्तों आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़े हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और उनके समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इनविटेशन के समय ध्यान देने वाली बात है, जब भी दोस्तों आप इनविटेशन करते हैं और इनविटेशन के साथ साथ अगर प्लान भी हो जाता है मैन टू मैन में, तो दोस्तों या चाहे दोस्तों आपका डिजिटल है, चाहे दोस्तों आपका वेन्यू सेमिनार है, तो स्टूडेंट के साथ साथ कोशिश करिए इनविटेशन के ही द्वारा आपको बताना होगा
कि जब भी आप प्लान में आएंगे, आपको अपने मदर या फादर या अपने बड़े भाई, जो भी आपके पास में है, जो डिसीजन मेकिंग डिसीजन, जो डिसीजन ले सकता है, उसको दोस्तों आपको साथ में लेकर के आना है। पहली बात तो दोस्तों आपने ये समझाना होगा। दूसरी बात, कोई छोटी मोटी लड़की है, बच्ची है, पढ़ती है, गर्ल्स है, दोस्तों उसको हमेशा बोलिए कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ प्लान में लेकर के आना होगा। वाई, लड़का का पैसा कौन देगा? उसके पिता, उसके मदर या बड़ा भाई। लड़की के लिए पैसा कौन खर्च करेगी? उसकी माता या पिताजी। 99% लोग सिंगल प्लान दिखा करके फेलियर होते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, और लास्ट में लड़के लड़कियां, गर्ल्स और बॉयज, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं सर मैं तो अपने मम्मी से पूछ के बताऊंगा। दोस्तों आज हमारी इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बढ़िया काम आज लड़की और हाउसवाइफ जितने हैं लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे लोग सिंगल माइंड अप्रोच हैं, इसलिए इन लोगों का बिजनेस जेंट्स से भी बहुत तेजी से दोस्तों आज आगे बढ़ते चला जा रहा है। और कोई हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ के साथ इन्विटेशन करना। कोई ओल्ड एज के व्यक्ति है, उनके परिवार को, उनका बेटा है, चाहे कोई एक्टिव मेंबर्स है, उनको इन्वाइट करें। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं दोस्तों, आप इसको रट जाओ। आप कितना भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में किताब पढ़ लेना, आप कितनी भी ट्रेनिंग सुन लेना दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है आपका बीवी जनरेशन के लिए, आज दोस्तों आपका रैंक इनकम के लिए दोस्तों, चाहे दोस्तों आपको रॉयल्टी इनकम के लिए, यही ट्रेनिंग दोस्तों आपको वरदान साबित करेगी। और यही से लोग को आप वेन्यू पर, चाहे जूम मीटिंग पर लोगों को दोस्तों पहुंचा पाओगे, चाहे दोस्तों लोग के घर घर जा करके आप जूम मीटिंग पर लोगों को जुड़वाइए, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर स्पीकर लगा करके दोस्तों देखिए। इसी वीक से आज आप इसको अमल करिए, और दोस्तों कल परसों में आपका चेक का साइज दोस्तों ऑटोमेटिक और आपका टीम का साइज दोस्तों बढ़ते चला जाता है। तो इन्विटेशन की तरह दोस्तों ये ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बातें हैं, जो 99% लीडर्स दोस्तों अपने टीम में फॉलो नहीं करा रहे हैं। जो इन्विटेशन सबसे पहले किसको करना है ध्यान रखिएगा, आपने तो लिस्ट बना लिया। 99% लोग क्या गलती करते हैं कि चाहे जूम इन्विटेशन हो, चाहे दोस्तों फिजिकल पर हो, वो कोल्ड लिस्ट में चले जाते हैं। जब हमने दोस्तों आपको पहले बताया है, हमारे इंडस्ट्री में तीन प्रकार की लिस्ट बनती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। दोस्तों हॉट लिस्ट से ऐसा बोला जाता है कि 2-3% लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करते हैं, आपका रिलेटिव लोग। मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर आपका दबा करके बढ़िया फॉलोअप है और आपका फेस वैल्यू, आपका रिपोर्टेशन, आप अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों में अच्छा है, ये नहीं कि आप शराबी कबाबी हो और आप जाकर के अपने चाचा फूआ ताऊ को ज्वाइनिंग कराओगे, आपके साथ नहीं ज्वाइनिंग करोगे, सब दारू पी जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टेशन आपके हॉट लिस्ट में बढ़िया है दोस्तों, आपका रिपोर्टेशन आपका वार्म लिस्ट में भी बढ़िया होगा, और आपका रिपोर्टेशन दोस्तों आपका कोल्ड लिस्ट में भी बढ़िया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि हॉट लिस्ट में दोस्तों आप अगर ढंग से प्लान फॉलोअप करते हैं ना, तो दोस्तों आपके साथ 100% रिजल्ट आएगा। 100% इतनी ब्रांड और इतने दमदार धमाकेदार प्रोडक्ट दोस्तों जो आज आपके सामने है। दोस्तों अगर वार्म लिस्ट पे अगर आप काम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 20-30% ज्वाइनिंग आएगी, लेकिन हम दोस्तों मैं बोलता हूं 100% ज्वाइनिंग आएगी। और आपके अंदर दम है बढ़िया इन्विटेशन करके उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने का, और थोड़ी सी उसकी प्रोफाइल बढ़िया है तो आपके पास 100% रिजल्ट आएगा। और कोल्ड लिस्ट पर दोस्तों कोविड के टाइम में थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन दोस्तों हमने यहां से 10-15% रिजल्ट दोस्तों निकाला है, अभी भी निकाल रहे हैं। हमारे साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं दोस्तों, जिन लोगों के साथ अभी हम लोग नया नेटवर्किंग में कर रहा हूं, और दोस्तों लगातार वो लोग बैटिंग पर हैं, और दोस्तों हर वीक में 4-6-8 सेल दोस्तों उन लोगों के माध्यम से दोस्तों आ जा रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट गियर, सेकंड और थर्ड गियर और फोर्थ गियर, ऐसा बोला जाता है कोल्ड कॉलिंग से आपका फोर्थ गियर डरता है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट तो आप फोर्थ गियर नहीं अपने बाइक में डाल सकते हो, आपकी बाइक स्टार्ट होगी नहीं होगी, इसलिए पहला गियर बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर में आपने दोस्तों पहला गियर पर काम करिए। जब आज नए हैं, आज बिजनेस को ज्वाइनिंग किए हैं, ये ध्यान रखिएगा, हॉट और वार्म लिस्ट पर जब भी आप इन्विटेशन करते हैं, इन लोगों प्लान खुद मत दिखा देना, इन लोगों प्लान आप अपने अप्लायंस के माध्यम से ही दोस्तों दिखाना, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके दोस्त हैं, तो दोस्तों पर्सनली और प्रोफेशनली दोस्तों वो आपके बात नहीं मानेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्तों आपके रिश्तेदार हॉट लिस्ट पर हैं और आपको लगता है कि मैं इनको प्लान दिखाने में आपको शर्म आ रही है, ऐसा भी बहुत लोगों को होता है।
उस जगह पे आप क्या करेंगे, आप अपने रिश्तेदार के घर में जाइए, चाहे आपसे ऊंची पोस्ट पे है, अच्छी पदवी पे है, बोलिए कि मैं आजकल जब मैं आगे वाला लेशन में बात करूंगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों को जानते हैं इस एरिया में और आप थोड़ा सा मेरे इस काम के लिए मदद कर दीजिए और हमें कुछ लिस्ट दे दीजिए। जब वो बंदा खुद का लिस्ट देगा ना दोस्त, तो कल प्लान देखने में इंटरेस्ट होगा, और उसके बोलने से अगर एक दो बंदे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका हॉट लिस्ट वाला बंदा बोलेगा कि पहले तू मेरी आईडी लगा दे। मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, मैं इस टेक्निक को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे मेरे साथी हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे प्रोफाइल से हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ आजकल कोविड में, और कोई आपके जानने वाला लोग है, थोड़ा उसको पैसा कमाना जरूरी आप समझते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन उसका गड़बड़ा रहा है, उन लोगों से आप मुझे मिलवा दीजिए। बस इस टेक्निक को अगर आप दोस्तों आज इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए आपके ऐसे दोस्त में आपका कोई दोस्त है हाई फाई है, आप उसको बोलते हैं प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन में कि दोस्त मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर 10-20 लोगों को जानते होंगे, क्योंकि मैं आपको तो नहीं बोल सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, हो सकता है आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं आपकी दिनचर्या जानता हूँ, लेकिन हमें 10-20 लोगों का ऐसा लिस्ट दे दीजिए जिनको आप जानते हैं और हम उनको मदद कर पाए, उनके साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ पाए। ये दोस्तों एक दूसरा टेक्निक है। तीसरा टेक्निक क्या दोस्तों, कि कोल्ड लिस्ट पर सम विल कम आएंगे दोस्तों, नहीं भी आएंगे, तो वार्म और हॉट लिस्ट को अगर सही टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों जूम इनविटेशन क्लियर द नाइट, अगर आप वेन्यू पर कर रहे हैं चाहे दोस्तों जूम पे कर रहे हैं, जूम पर अगर हमारा रोज प्लान शाम को चल रहा है तो दोस्तों आप इस पे कैसे करेंगे। कभी भी इनविटेशन में लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताना है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, क्लियर द नाइट। जैसे आज शाम को 7 बजे हमारे यहाँ जूम पर प्लान है, आप आज मार्केट में गए, कहीं गए, कोई अपने दोस्त के पास गए, तो आप उनको इन्विटेशन सबसे पहले पूछिए कि नमस्कार रजनीश जी आप कैसे हैं। सर बहुत शानदार हूँ, आज सुबह मैं गया था भैया दूज में अपने सिस्टर के यहाँ आया हूँ, शाम को आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिंदास हूँ, आज कोई काम नहीं, छुट्टी पर हूँ और 3 दिन और भी मेरा छुट्टी है। आपने दोस्तों ऐसे बोल करके उनसे बात कर ली। शाम को दोस्तों 6 बजे आप 7 बजे हमारा दोस्तों जूम पर मान लो प्लान चलता है, आप दोस्तों 7:45 उनके पास पहुंच गए। 7 बजे उनके पास पहुंचने के बस इतना कुछ नहीं बोले, और 7 बजे पहुंच करके और आपने वहां पर एक शब्द बोला कि इस कोविड में जैसे आपने पहले बोल दिया इन्विटेशन के दौरान, या तो 7 बजे जाके बोलेंगे थोड़ा पूछेंगे, तो दोस्तों यहां पर अगर आपने बात बोल दिया कि इस कोरोना काल में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसको रट जाओ एकदम, इस कोरोना काल में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मुझे लगता है कि आप और हम मिलकर के यहां से कुछ पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आप अपने शब्द को बोलते हो आप दोस्तों उस शब्द को याद कर लीजिए। आप क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर उन्होंने शाम को आपके लिए समय दे देता है कि शाम को 7 बजे हम फ्री हैं, तो ठीक है सर जी आज 7 बजे मैं आपके ही घर पे आता हूं और वहीं बैठ करके थोड़ा सा इसके ऊपर में चर्चा करेंगे, और दोस्तों 7 बजे जूम पर प्लान लगाया, मोबाइल रखा दोस्तों, और मोबाइल के अंदर में दोस्तों आप अपनी प्लान को जो आपकी अप्लाइंस प्लान ले रही है आपने उनको जूम पर जोड़ा और घर बैठकर वो प्लान दिखाइए और फॉलोअप करिए। 90% लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, हम दोस्तों प्लान चला रहे हैं, वो क्या करते हैं सबको लिंक भेज दे रहे हैं अपने शहरों में, और लिंक भेजने के बाद वो गलतियां क्या कर रहे हैं कि बस लिंक भेजा काम खत्म। दोस्तों ऐसे आपका धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस को समझो, या तो उस व्यक्ति को वेन्यू तक ले करके आओ, अगर आपके शहर में वेन्यू चल रहा है तो दोस्तों उस व्यक्ति को आप तो वेन्यू तक ले करके आओ, अगर वेन्यू नहीं चल रहा है तो दोस्तों आप उस व्यक्ति के घर तक पहुंचो और जूम पर दोस्तों उसको प्लान का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग का इन्विटेशन करके दोस्तों आप वहां पर उसको प्लान चलाओ। दोस्तों आपका 100% रिजल्ट इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों आप उनके सामने बैठ करके फॉलोअप में लग गए, नहीं तो प्लान दिखाया 10 मिनट में काम खत्म, प्लान दिखाने के बाद बंदा फोन ही नहीं उठाएगा, आप क्या कर लोगे, लेकिन वहां बैठे रहोगे, आपके पास टूल्स है दोस्तों, आप 100% डीडी लेकर के दोस्तों आना ही आना है, आपका डीडी दोस्तों कहीं भी नहीं जाएगा, आपको आना ही आना पड़ेगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान से समझ जाइए। ये फंडा पर दोस्तों अगर हमने काम कर लिया दोस्तों तो यहां पर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। याद रख लीजिए एक लाइन, क्लियर द नाइट बात कर लिया कि आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, कल शाम को क्या बंदा फ्री, तो बोलिए
कि सर जी हम लोग इस कोरोना काल में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और मुझे लगता है कि आप और हम मिलकर के यहाँ से कुछ पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं, जो भी आपकी शब्दावली है तो आप अपने शब्दावली को यूज करिए। एक दोस्तों आप अपने मोबाइल पर भी एक जूम इन्विटेशन बना करके और आप दोस्तों लोगों को फेसबुक पर व्हाट्सएप पर भी दोस्तों आप दे सकते हैं इन्विटेशन। इस तरह से बनाइए जूम इन्विटेशन कि ड्यूरिंग COVID-19 द बेस्ट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने दो लाइन लिखा, लिखने के बाद दोस्तों मीटिंग आईडी, पासवर्ड, टाइम और डेट दे दीजिए, और दोस्तों डिजिटल वर्चुअल जिसको बोलते हैं तो आप उनको मोबाइल पर इसको एसएमएस करिए और उनको फोन से बताइए इतने बजे एक प्लान है, जहां पर आप नहीं जा सकते, अदर शहर में हैं, अदर स्टेट में हैं, तो आप इस तरह से एक इनविटेशन कार्ड बना करके आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने शहर में हैं तभी दोस्तों आप इनविटेशन दे सकते हैं जूम पर, और आप इसकी हार्ड कॉपी भी निकाल करके 100-200 रख लीजिए, और दोस्तों एक एक दिन 10-10 इन्विटेशन कार्ड बांटिए, 15-15 इन्विटेशन कार्ड बांटिए, तो देखिए आपके पास जूम पर भी भीड़ होगा और दोस्तों आपके पास में फिजिकल भीड़ होगा। अगर आप फ्रेशर हैं और ब्रॉन्ज के साथ काम करते हैं, ब्रॉन्ज का काम है फ्रेशर के साथ मिलकर के इनविटेशन कार्ड बंटवाना। अगर आप सिल्वर हैं, प्लैटिनम हैं, दोस्तों आप ब्रॉन्ज और फ्रेशर के साथ दोस्तों, अगर आपके शहर में वेन्यू चलता वेन्यू के लिए, वेन्यू पर नहीं है जूम पर नहीं है वेन्यू पर लगातार काम करिए देखिए दोस्तों, और इस इन्विटेशन टूल्स के माध्यम से काम करिए दोस्तों, टूल्स बहुत बड़ा वरदान साबित होता है और दोस्तों आपके पास में लोग आएंगे। याद रखिएगा बहुत सारे सिल्वर गोल्ड पर्ल टोपाज लीडर भी 99% काम करते हैं गलती। दोस्तों आज भी आप अगर हमसे कोई लोग बोलता है कि जेपी सिंह जी आप क्या करते हैं, तो मैं दोस्तों आज एक बात बोलता हूं कि मैं लोगों को पैसा कमवाने में हेल्प करता हूं। दोस्तों मेरा शब्द क्या है, आज भी मैं शब्द बोलता हूं कि मैं लोगों को पैसा कमवाने में आज भी हेल्प करता हूं कि दोस्तों आप कैसे पैसा कमा सकते, ये दोस्तों मेरी शब्द होती है। तो दोस्तों जब भी आपका इनविटेशन का बात आती है तो दोस्तों आप डोंट्स का प्रयोग जरूर करिए, कभी भी डोंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ कंपनी, कभी भी दोस्तों कंपनी के नाम आपको नहीं बताना है। डोंट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ वर्क, क्या करना है काम इसके बारे में भी उस टाइम चर्चा नहीं करना है। डोंट इन्वाइट पीपल एट पब्लिक प्लेस, भीड़ वाले इलाके में दोस्तों आपने किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है। आगे बताऊंगा डोंट डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगेगा, डोंट बी हरी इन हरी जल्दीबाजी और किसी घर बैठकर के दोस्तों चाय नहीं। नंबर वन पॉइंट, डोंट डिस्क्लोज नेम ऑफ कंपनी। दोस्तों आज मार्केट में नाना प्रकार की कंपनियों ने दोस्तों अपनी रिपोर्टेशन को बर्बाद करी है और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों को लूटा है। दोस्तों इसलिए कभी भी कंपनी के नाम पहले, जब बंदा सिर्फ सबका इतना दमदार दोस्तों आज हमारा प्लान है कि दोस्तों बंदा एक बार प्लान पर बैठ गया ना और एक बार प्लान देख लेगा दोस्तों, पूरी भारत में इस तरह का प्लान प्रेजेंटेशन कहीं नहीं चलता। दोस्तों बंदा को डीडी देना ही है और आप दमदारी से प्लान दिखा दी, इसलिए कभी भी पहले कंपनी का नाम नहीं बताना। डोंट डिस्क्लोज क्या काम करना है, किनसे मिलना है, किस तरह का वर्किंग है, किस तरह का शेड्यूल होगा, इसके ऊपर में दोस्तों पहले बात नहीं करनी है। डोंट इनवाइट पीपल एट पब्लिक प्लेस, जैसे आप किसी के शादी में गए हैं, किसी के बच्चे बर्थडे पार्टी में गए हैं, दोस्तों ऐसे जगहों पर आपने किसी की आप गृह प्रवेश में गए हैं तो भीड़ में ही 20 आदमी के सामने बकबक बकबक करना मत शुरू कर जाइए, उसमें से एक बंदे को किनारे लाइए और उसको दोस्तों इन्वाइट करिए, दो को लाइए, दो को इन्वाइट करिए, पूरे को लाते हैं तो आप 100% फेलियर हो जाते हैं, 100% आप फेलियर्स हो जाएंगे। डोंट इनवाइट पीपल एट द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में बात करने का मतलब समझ आ गए, बर्थडे पार्टी, किसी के शादी, गृह प्रवेश, ऐसे जगहों में पूरी भीड़ में जाकर के हल्ला मत मचा दीजिए, नहीं तो लोग आप ही पर दोस्तों मजाक बनाना शुरू कर जाएंगे। डोंट डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहां 10,000 रुपए में एक गीता खरीदिए और करोड़पति बनिए, पहले मत बनाइए। हमारे यहाँ 10,000 में गीता खरीदना है, लेकिन दोस्तों कंप्लीट प्लान के बाद भी दोस्तों ये बातें करनी है। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं कि फॉलोअप वाला काम दोस्तों इनविटेशन में करके दोस्तों फेल हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों उनके साथ लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी, किसी को इन्विटेशन करना है पहले उसके बारे में जांचिए, परखिए, समझिए, तब दोस्तों आप उस बंदे का इन्विटेशन करिए, नहीं तो ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो बंदा फेलियर कर सकता है आप। डोंट टेक टी दोस्तों, कभी भी किसी के घर पर अगर आप इन्विटेशन करने गए हैं, इन्विटेशन के दौरान बैठ करके दोस्तों चाय नहीं पीना। क्यों? जब चाय पियोगे तो आगे की इन्फॉर्मेशन, अच्छा क्या करना होगा, बिजनेस है, कोई एमएलएम तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, इसमें पैसा लगा करके दो दो तो नहीं बनाना है, इस तरह के लोग जब आपसे बात करेंगे तो दोस्तों आप फेल हो जाओगे। आप याद रखिए, हम तो खुद ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कोई बोलता है सर नेटवर्किंग तो नहीं है, पर ये नेटवर्किंग क्या होता है सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में, नेटवर्किंग क्या होता है दोस्तों, मैं तो ऐसे क्वेश्चन कर देता हूं उन्हीं से, मुझे नहीं पता सर जी, आप आइए जूम पर आइए और देखिए, आपको तब पता चलेगा क्या है, हमें नहीं पता सर नेटवर्किंग क्या होती है, हम दोस्तों इस तरह की व्यवसाय में, मैं तो ऐसे दोस्तों बोलता हूं, आप देखिए जब बंदा देखेगा और सिर्फ सबका दमदार प्लान तो आपके साथ में ज्वाइनिंग करेगा। याद रखिए जब भी इन्विटेशन करेंगे हताश नहीं होना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिस्ट में कि सब लोग आपके साथ नहीं आएंगे, 20% का ही रेशियो है, तो सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग मना करेंगे, कुछ क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, कुछ लोग हमारे इंतजार में, भारत एक बहुत बड़ी बाजार है दोस्तों, 1,40,00,000,000 का देश में यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है, भुखमरियों की कमी नहीं है, व्यवसाय है नहीं, मार्केट में लोग है नहीं, आप दोस्तों लगातार बैटिंग करते चले जाइए, 9 बजे घर छोड़िए दोस्तों, आपका धंधा कैसे नहीं होगा, कैसे लोग इन्विटेशन नहीं होंगे, कैसे जूम पर लोग नहीं आएंगे दोस्तों, 99% लोग यहाँ पर फेल के होते हैं कि ज्वाइनिंग करने के बाद 10 दिन के अंदर बहुत जोश होता है, 20 दिन बहुत जोश दोस्तों, एक बार अगर सेफ शॉप का इंजेक्शन आपने अपने अंदर डाल दिया है दोस्तों, आपका जोश कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अरे मैं किसके लिए इन्विटेशन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई के लिए, मैं किसके लिए इन्विटेशन कर रहा हूँ, अपने बीवी को अच्छा जीवन देने के लिए, मैं किसके लिए इन्विटेशन कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को बच्चे में अच्छा सुख देने के लिए, मैं किसके लिए इन्विटेशन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ऐसा शब्द सुन करके जहां पे करोड़ों पे कमाने की धंधा सेफ सोफा में देती है, जब ये शब्द बोल करके जब आप चलेंगे AW5 रोल्स दोस्तों आपको बहुत बड़ा मदद सेफ सोफ इंडस्ट्री में करेगा, नहीं तो दोस्तों आज आप जो जीवन जी रहे हैं उससे बहुत अच्छा और बेहतर जीवन होने वाला नहीं है, बदतर हो सकता है, लेकिन बेहतर जीवन जीने के लिए आपके पास सेफ शॉप के अंदर अगर आप इन्विटेशन का गुत्थम गुथी प्रैक्टिस कर लिया दोस्तों, आप यहां से बहुत हायर लेवल पर जा करके पैसे बना सकते हैं दोस्तों, और आप इस काम को इन्विटेशन पर डे करने की टेक्निक को 2-4 आदमी से पर डे मिलने की आदत आ गई दोस्तों, आप आगे बढ़ सकते हैं। हॉट और वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट पे दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा कि कोल्ड लिस्ट पे आप कैसे काम करेंगे, बहुत सारे कॉन्टेंट्स दोस्तों आपके पास में फेसबुक में है, आप फेसबुक से दोस्तों बना सकते हो, व्हाट्सएप से बना सकते हो, और दोस्तों आप बहुत सारा इंस्टाग्राम जहां भी आप जुड़े हैं यहां से लिस्ट बनाइए और उसमें से दोस्तों आप जूम इन्विटेशन करिए दोस्तों, आपको पेट्रोल का खर्चा लगा जूम इन्विटेशन पे? नहीं लगा। अगर आपने फेसबुक से 200 आदमी को जूम पर लाते हो और 20 आदमी भी डीडी दे दिया तो आपके पास अब 20 आदमी जो आया है तो उसका तो हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट है ना, अब आप उनके हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। पहले आपको गुत्थम गुत्थी की लड़ाई करनी पड़ी दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप के लिस्ट पे, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको नहीं करनी पड़ी। कभी भी दोस्तों जब भी आप कोल्ड कॉलिंग पर बात करते हो, कोल्ड लिस्ट पे बात करते हो तो दोस्तों आपको FORM मेथड का इस्तेमाल हमेशा करना जीवन में। कभी भी उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, कि कैसे इंट्रोडक्शन दोगे, FORM आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर्म फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रेशन मनी, देखो कैसे देंगे, पहले नंबर फैमिली के बारे में बताना है दोस्तों, मेरा नाम JP सिंह है, हमारे परिवार में 3 मेंबर्स हैं, हम लोग एक साथ में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, और हमारा ये टाइमिंग है, ये मेरे खाने पीने रहने का सब टाइमिंग है, बात कर लिया। तब वो व्यक्ति बताएगा कि मेरा नाम डॉक्टर रमेश है और मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, और शाम को 5 बजे से लेकर के मैं फ्री रहता हूँ, मेरे परिवार में 2 मेंबर्स हैं,
अभी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दो लाइन में, जब आपने अपने बारे में बताया, उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बताया, उन्होंने अपने ऑक्यूपेशन डॉक्टर हूं इसके बारे में बताया, फिर उन्होंने अपने रिक्रिएशन टाइमिंग के बारे में बता दिया कि मैं इतने बजे से टीवी देखता हूं, इतने बजे से एक्सरसाइज करता हूं, और ये टाइम आपको कौन फ्री मिलता है तो उस टाइम पर जूम पर भी प्लान दिखा सकते हो उनको, उनके घर जाकर के भी दिखा सकते हो, अगर बाहर है तो दोस्तों जूम लिंक से दे सकते हो। और तब दोस्तों आपने बात करना है उस व्यक्ति, तब बता देगा डॉक्टर है, लाख दो लाख तीन लाख महीने कमाता है, 10,000 रुपए की भागवत गीता दोस्तों लेने से कभी भी ना नहीं करेगा। एक ही बार आपसे भागवत गीता भी लेगा, संपूर्ण हनुमान भी लेगा, कम से कम दोस्तों 50,000 का सामान आपसे 5 मिनट में ले लेगा। और बंदा अगर आप अर्निंग लैंग्वेज की आईडी डालते हो तो अगर 50,000 के सामान लेता है और दोस्तों आपके पास अगर 1,000 बीबी का प्रोडक्ट बनता है तो आप 5,000 रुपए आप एक डॉक्टर साहब से कमाते हो, और डॉक्टर साहब आपके साथ 10-20 आदमी को जुड़ता है। हमेशा प्रोफाइल अपडेट करोगे तो इस धंधा में इन्विटेशन में कभी नहीं। एक और देखना, इन्विटेशन के दौरान एक ध्यान और देना है आपने कि दोस्तों हमने कपल्स रेस्पेक्टेबल एम्बिशियस और प्रोफेशनल दोस्तों इस पे काम करना है कि कपल्स में अगर इन्वाइट करोगे ज्यादा फायदा होगा। कोई महत्वाकांक्षी लोग है जो इज्जतदार लोग हैं और दोस्तों प्रोफेशनल लोग हैं आपको ज्यादा फायदा करेगा। इन्विटेशन पर हमेशा फोकस करिए दोस्तों, कब कौन मिल जाए, कितना बड़ा काम कर जाए कुछ पता नहीं, स्ट्रेंजर के लिस्ट से बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों। मैंने कल भी दोस्तों 2-3 इन्विटेशन अपने बिजनेस के लिए करा है। आज मैं दोस्तों 9 बजे निकलूंगा उनको प्लान दिखाने के लिए। याद रखिए, परिचित लोगों को परिचित बनाया जा सकता है, बस इन्विटेशन करने का टेक्निक दोस्तों आपको आना चाहिए। जूम इन्विटेशन करने टाइम 10 पॉइंट और बेनिफिट, उस व्यक्ति का दर्द क्या है, क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहता है, उसको क्या फायदा दिला सकता हूं। नो रिजेक्शन टेक्निक, पैनिक मत होइए, स्माइल करके दूसरा इन्विटेशन के निकल जाइए अगर बंदा मना करता है। टेक्निक, ये इंसान अगर ये भी याद रखिए, इंसान मेरे बिजनेस में क्यों ज्वाइनिंग करे और इसका मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, दोस्तों सारी चीजों पर आपको ध्यान दे देंगे दोस्तों बंदा आपके साथ बिजनेस में जुड़ेगा। याद रखिएगा, किसी भी मनुष्य का वर्तमान स्थिति को देख करके उसका उपहास मत उड़ाए, क्योंकि काल में दोस्तों इतनी शक्ति है कि एक साधारण से हुदे को, साधारण से व्यक्ति को दोस्तों हीरा बदल सकती है। क्योंकि हम लोग का बिजनेस में ध्यान रखिएगा, एक कुल्फी बेचने वाले से लेकर के पेपर बेचने वाले से लेकर के ईंट पत्थर तोड़ने वाले से लेकर के हर प्रकार के लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल हमारे बिजनेस के अंदर में डायमंड्स बने हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन अम्बेसडर। इसलिए हमने इन्विटेशन के दौरान, हाँ ये ध्यान जरूर रखना है कि जब हम करते हैं, कुछ ऐसे गरीब लोग होते हैं पैसा के लिए प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्राउन अम्बेसडर पे दोस्तों बन रहे हैं और दोस्तों लगातार बनेंगे। इसलिए इन्विटेशन सबको करना है। कॉमन सेंस गेम याद रखिएगा कि जो मैंने आज आपको टेक्निक सिखाया है, इस टेक्निक, जिस तरह से साइकिल चलाने के लिए दोस्तों कोई कोर्स नहीं होता, उसी तरह से दोस्तों इन्विटेशन का कोई कोर्स नहीं हो सकता दोस्तों। ये आपका कॉमन सेंस का है, आप कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ला सकते हैं। कुछ टेक्निक था दोस्तों जो मैंने आपको इन्विटेशन को बताया। इन्विटेशन के बहुत बड़े फायदे हैं दोस्तों, कोरोना से पहले सेमिनार, कोरोना के बाद वेबिनार प्लस सेमिनार दोनों चालू हो गया। पहले 1 साल में 52 वेन्यू होते थे, महीने में 60 वेन्यू होता है। पहले दोस्तों एक सिटी में एक लीडर 4 बार जाता था, हम महीने में आपको 7-7 ट्रेनिंग देते हैं। पहले दोस्तों कोई प्रोडक्ट डेमो नहीं चलता था, अब लगातार प्रोडक्ट डेमो भी हम देते हैं। पहले दोस्तों साल में 4 वर्षों दोस्तों, अब महीने में 60-60 वर्षों। पहले कंपनी कोई ट्रेनिंग नहीं करती थी दोस्तों, आज कंपनी भी समय समय पर हमें ट्रेनिंग देती है। पहले सभी लीडर का चेक नहीं बन पाता था दोस्तों, कोरोना के बाद आज सभी लीडर का चेक बन रहा है। पहले दोस्तों पेट्रोल ड्रेस वर्कशॉप ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता था, अब दोस्तों सिर्फ खर्चा आपके मोबाइल और इंटरनेट डाटा में होता है। दोस्तों दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्विटेशन के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, अड़चनों का सिद्धांत काम करता है। जब दोस्तों आप फील्ड में निकलोगे, जिस तरह से आप एक कार लेकर के निकल रहे हो दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इस भीड़ को कैसे क्रॉस करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों आप भीड़ को क्रॉस कर जाते हो दोस्तों। जब आप घर से निकलोगे, आज मेरी ट्रेनिंग सुनने के बाद कुछ लोग तो भैया दूज मनाएंगे, कुछ लोग दोस्तों आज रेस्ट करेंगे, 2 दिन का त्योहार मनाया है, दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाया है दोस्तों, और कुछ लोग दोस्तों आज निकलेंगे कि नहीं हमें इस वीक में अपना चेक बनाना है, क्योंकि अगले 2 महीने बाद मेरे पास बिजली बिल भी आएगा, घर का खर्चा भी आएगा, बच्चों का फी भी आएगा, तो दोस्तों हमें तो अगले वीक चेक बनाना है, हमें तो दोस्तों 1 तारीख को रैंक इनकम लेना है। वो लोग दोस्तों 9 बजे निकलेंगे दोस्तों, मैं भी 9 और 9:30 बजे निकलूंगा फील्ड में दोस्तों, लगातार बैटिंग करेंगे दोस्तों, घर पर नहीं रहेंगे दोस्तों। याद रखना, गमला के पौधा
कभी भी दोस्तों गमला में फल नहीं देता, फल देना है तो आपने मेरी पूरी ट्रेनिंग सुनी और इन्विटेशन के टेक्निक सुना तो ये सेफ टॉप ऑफिशियल चैनल पर भी चला जाएगा। और दोस्तों अगर आप फील्ड में निकल करके आज से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं 100% दोस्तों आप और अपने टीम को इस वीक में 1000 रुपए